नमस्कार दोस्तों, गुड एजुकेशन सीरियल के इस एपिसोड में हम आ गए हैं जीपीएस इंग्लिश मीडियम राजस्थान बोर्ड। हम लोग मुखातिब हो रहे हैं संदीप सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निखिल जी, शिक्षा के मंदिर जीपीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत है। यस, इंट्रोडक्शन प्लीज सर। मेरा नाम संदीप कुमार, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर ही मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात राजस्थान के प्रतिष्ठित स्कूलों में काम किया और उसके बाद मैं बुद्धा एजुकेशन हब से जुड़ा और लगभग 9 सालों से मैं इस स्कूल के साथ हूँ। जी सर, यहाँ पे जैसे ऑलरेडी गुढ़ा एजुकेशन हब के पास बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल है, इसके बावजूद राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम की कहाँ जरूरत हुई और कैसी जरूरत हुई और इसके जरिए आप लोग क्या ऐसा विशेष स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं जिससे कि RBSE इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट चूज करें? बिल्कुल निखिल जी, वास्तव में आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसमें शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन मिस्टर संपत बेनीवाल और हमारे सेक्रेटरी मिस्टर ललित अग्रवाल जी, जो बहुत ही समाज सेवी के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित है और वास्तव में भी समाज सेवा का कार्य बड़े ही आगे बढ़कर करना चाहते हैं, तो जब उन्होंने लोगों की शिकायत सुनी, लोगों के डिसीजन सुने कि यहाँ पर एक उच्च स्कूल की जरूरत है, जो मतलब ऐसी डिमांड थी, शिकायत नहीं डिमांड थी, वो डिमांड थी वास्तव में। और शिकायत तो मैं कहना चाहूंगा कि जो दूसरे CBSE स्कूल थे वो एक बड़े लेवल पर फीस ले रहे, मोटी फीस वसूल कर रहे थे, ऐसे में इसके मद्देनजर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल खोला जाए जो सभी की पहुंच में हो जी, जो सभी इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनके बच्चे आज के युग में इस समाज में सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और वास्तव में उनका सपना साकार हुआ और मुझे उन्होंने इस कार्य के लिए चुना, इनका इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और हम उनके सपनों पर खरा उतर रहे हैं और वास्तव में आज हम उनके सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर है। तो जैसा अभी आपने बताया कि ये CBSE राजस्थान बोर्ड से, मतलब राजस्थान बोर्ड जो है वो CBSE से काफ़ी चेंज है और इसमें गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ अफोर्डेबल प्लान है, तो वो सब क्या है? ये मैं कहना चाहूँगा कि देखो, इसमें डिफरेंस बताऊँगा आपको CBSE और RBSE में। सही मायने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, RBSE इंग्लिश मीडियम में और CBSE में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है दूसरे स्कूलों में, लेकिन हमने जो पैटर्न तय किया है अपने स्कूल के लिए, जो हमने यहाँ पर मानक तय किए हैं, वो वास्तव में एक CBSE स्कूल के बराबर ही है। यहाँ पर हम हर तरह की एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर एक्टिविटी हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो, हर तरह की एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर हर सैटरडे कराते हैं। उनका हमने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, उसी स्केड्यूल को फॉलो करते हैं रेगुलरली। और जो बच्चा किसी भी CBSE स्कूल में प्राप्त करना चाहता है या करता है, वो यहाँ पर कम फीस देकर वो उसी तरह का शिक्षा ग्रहण करता है। और वास्तव में ये हर एक माता पिता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल है, बहुत ही ज़रूरी स्कूल है, ताकि वो अपने बच्चे को एक उच्च स्तर की इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा प्रदान करा सके। कहने का मतलब है कि इसमें फीस का कंप्रोमाइजन अच्छा है। अब फीस का मैं कहना चाहूँगा, लेकिन पहले हमने जब ये सोचा कि वास्तव में इसमें कुछ लो लेवल के लोग आएंगे, गरीब तबके के लोग आएंगे जो बड़ी स्कूलों को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वास्तव में हम गलत थे। आज इस स्कूल में शिक्षा का जो स्तर है उसको देखकर हर तरफ हर तबका इसमें अपने बच्चों को एडमिशन करा रहा है और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस कोरोना टाइम में भी हमने बहुत अच्छी संख्या में एडमिशन कर चुके हैं। बड़ी अच्छी बधाई की बात है। इसके अलावा और क्या आप दूसरी स्कूलों के कंपेयर में और क्या नया है जो आप दे पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। दूसरे स्कूलों जो भी RBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उनमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती, उनमें कोई पास कंप्यूटर एजुकेशन नहीं है, जबकि हमारे पास रेगुलर कंप्यूटर एजुकेशन है और हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड टीचर की टीम है जो बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन और हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास एक्टिविटी रूम है जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू
हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वे बच्चे एक प्रैक्टिकल के रूप में कुछ अच्छे से सीख सके और उसे धारण कर सके। जी सर, एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जैसे COVID-19 के चलते अभी डिस्टेंसिंग वगैरह की भी जरूरत रहेगी, इस हिसाब से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग स्कूल का बिल्डिंग है और वहाँ के जो रूम का सेटअप है वो किस तरह का है कि ये क्या आप है इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज के टाइम में वास्तव में ये इस महामारी में हमें बहुत ही सोच समझ कर फैसले लेने हैं। जैसे कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग में हमने कभी भी किसी भी क्लास में पहले से ही, अब तो सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा फॉलो ज़्यादा करना पड़ रहा है। हाँ। तो हम पहले से ही किसी भी क्लास में 40 बच्चे से ज़्यादा नहीं, हमने किसी भी क्लास में एडमिशन लिया है 40 बच्चे ही रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नर्सरी क्लासेज है, प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी सेक्शन, उसमें किसी भी क्लास में हमने 25 स्टूडेंट से ज़्यादा एडमिशन नहीं लिए है। Really? पहले से ही हमने सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो फॉलो किया है। और इससे एक वो फ़ायदा होता है कि थोड़े बच्चे हो गए तो जो टीचर्स हैं वो उनको अच्छे से हैंडल कर पाएगी, उन जो सिखाना चाहती है वो उन्हें अच्छे से सिखा पाएगी और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। वाकई में ये तो मैंने देखा है कि काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, और ऐसे में आप इस चीज़ को अगर ठीक से मेंटेन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है गार्जियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपके यहाँ और क्या स्पेशली टीचिंग में आपका क्या स्पेशल है दूसरी स्कूलों से? बिल्कुल सर, टीचिंग में एक्चुअली जब हम किसी भी टीचर को अपॉइंट करते हैं तो वो वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें देखते हैं और वो कैसे अपने बच्चों को हैंडल करता है। जैसे कि हम कॉर्पोरल पनिशमेंट हमने बिल्कुल बैन किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम किसी भी बच्चे को पनिशमेंट के फेवर में नहीं है। दूसरा, जैसे हम टीचर्स हमारे यहाँ अपॉइंट होता है तो हम देखते हैं कि वो कैसे बच्चों को हैंडल कर सकता है और अपने उसके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी उसने नॉलेज प्राप्त की है, वो बच्चों को कैसे प्रोवाइड कर सकता है। और इसके लिए हमने, मैंने बताया आपको एक्टिविटी रूम है, तो एक्टिविटी रूम में ले जाकर एक मूवीज के थ्रू और बाहर ले जाकर प्रैक्टिकल, हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप आए तो काफ़ी प्लांट्स भी है, तो स्पेशली जो साइंस के टीचर है वो बाहर ले जाकर उनके प्लांट के पास जाकर बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं और सब कुछ प्रैक्टिकल ही होता है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके और उसको अपने जीवन में धारण कर सके। इंग्लिश स्पोकन के लिए आपके क्या नए प्लान्स हैं स्कूल में? इंग्लिश स्पोकन कंपलसरी है टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और जब हमने ये स्कूल स्टार्ट किया तो हमें कुछ समस्याएं हुई क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो वास्तव में हिंदी तक नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं मारवाड़ी क्षेत्र है। लेकिन आज के समय हमें ये स्कूल बंद कराते हुए 2 साल हो गए हैं। इस 2 साल में हमने ये देखा निखिल जी कि आज हमारे बच्चे बड़े मंच पर जाकर इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं, इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं और इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर रहे हैं और टीचर्स के लिए 100% कंपलसरी है। जी तो बड़ी अच्छी बात है और बधाई देना चाहूँगा इतने सारे अच्छे प्लान्स के लिए, और आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर।